जी नमस्कार, इस वक्त हम है सीटेट एग्ज़ाम सेंटर पे और विहार सीटेट एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे और पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे। प्रथम शिफ्ट का बच्चे आ रहे हैं, देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन था। सर क्वेश्चन ठीक था, आप बताइएगा किस तरह का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अगर ठीक से पढ़े होंगे लोग तो एकदम ईजी में आंसर मिल रहा है और निकलेगा भी। EVS का कैसा पेपर था? जैसा बस हम तो यही जानते कि सचिन सर का पढ़ाया हुआ हर एक बात लगभग लगभग टकराया और बहुत बढ़िया गया सारा। सचिन सर से पढ़े हुए आप? हाँ, ऑनलाइन क्लास सचिन सर का। अच्छा अच्छा, जो नोट्स लिए हुए थे कि ऐसे ही तैयारी है उनका? पर्सनल नोट 490 रुपये का खरीद के ऑनलाइन आता है जो सचिन अच्छा, सर का अच्छा। बस वो उससे लगा कि हाँ एग्जाम सफिशियंट है, एकदम बेस्ट है। तो कुछ क्वेश्चन बता सकते हैं? जैसे क्वेश्चन का आपको क्या बताएं? EVS से जैसे क्या राज्य से आया था या नहीं था क्या? जैसे आसाम के बारे में, बांस के बारे में था जो सर हर हाल में बोले थे कि आसाम का या फिर मिजोरम का, त्रिपुरा का, उसके बारे में पूछा है कि आसाम में जैसे कि घर किस चीज़ पर बनता है और कितनी हाइट पर बनता है, वहाँ बांस पे उठा के बनाया जाता है और इसलिए बनाया जाता है। अच्छा, और कोई CDP से क्वेश्चन? अब उतना तो सर अभी बताने के मैं सक्षम नहीं है क्योंकि एग्जाम अच्छा गया, थोड़ा सा भूख लगा, अब खाने के इच्छुक। अच्छा ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, निकलिए। और अभ्यर्थी है, देखिए यहाँ पे आ रहे हैं, महिला अभ्यर्थी है, मैं इनसे बात करता हूँ किस तरह का क्वेश्चन था। देखिए आ रहे हैं ये लोग, देखिए कैसा रहा क्वेश्चन। CDP का हल्का था, बाकी EVS का थोड़ा हार्ड था। EVS हार्ड था, क्या एक दो क्वेश्चन बता सकते हैं किस तरह का था, कहाँ से था? जीन प्याजे कोहलबर्ग? जीन प्याजे से था। वाइगोस्की से था। अच्छा अच्छा, और कोई ऐसा है आपको जो मैथ कैसा था? मैथ ठीक था। मैथ ठीक था, कितना अटेम्प्ट किए हैं? पूरा 150। 150 और निगेटिव मार्क तो है नहीं, पूरा अटेम्प्ट किया है ना। चलिए तो देखिए कुछ और अभ्यर्थी आ रहे हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। आप कहाँ से हैं? पूर्वी चंपारण जिला से। पूर्वी चंपारण जिला से, कैसा गया एग्ज़ाम? एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया है। बहुत बढ़िया गया है, बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, का पूरा सॉल्व करके आए हैं? का पूरा सॉल्व करके आदमी पूरा सॉल्व करके अबे किया है। तो एक दो क्वेश्चन बता दीजिए। उसमें से पूछा था वाइगोत्स्की के बारे में पूछा था, जीन प्याजे के भी बारे में पूछा था। अच्छा, मैथ में भी ठीक रहा है। तो क्वेश्चन किस टाइप का था थोड़ा बता दीजिए, वाइगोत्स्की से या जीन प्याजे से? क्वेश्चन जो था वाइगोत्स्की था, उसके बाद समीप विकास वकास, मतलब बहुत आसान। अच्छा, EVS से कैसा था? EVS से ज़्यादा टाइट था। EVS ज़्यादा टाइट था। अच्छा, EVS में घुमा के पूछा था। अच्छा, कंटेंट कैसा था? कंटेंट से अलग से कुछ पूछा था, कुछ अलग से था। चलिए तो देखिए अब भैया कुछ क्वेश्चन बता सकते हैं जी। उसमें बताए उर्दू का जो है, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा पेपर था क्वेश्चन। और गधांश कैसा था? गधांश पे ठीक था, इजी अच्छा था। हाँ इजी था। अच्छा, और CDP से कुछ क्वेश्चन? वो भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अच्छा था, बताइए ना एक आध क्वेश्चन बता दीजिए, किस टाइप का क्वेश्चन था? उतना याद नहीं है। अच्छा याद नहीं है, कैसा गया एग्ज़ाम? बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा गया, कहाँ से हैं आप? मुजफ्फरपुर से। बोलिए, डरिए नहीं, कोई बात नहीं, हम भी एक इंसान हैं। अच्छा, मुजफ्फरपुर से हैं, चलिए बहुत अच्छा गया। और क्वेश्चन एक आध को बता दीजिए। पंचमपल्ली से एक क्वेश्चन था। पंचमपल्ली से था? अच्छा, कलमकारी जो था उससे था कि क्या, किस टाइप का क्वेश्चन था? हाँ, क्या पूछा था? याद नहीं है क्या? ओ, मैथ से कैसा क्वेश्चन गया? मैथ से बहुत आसान क्वेश्चन था। अब एग्जाम दे क्या रहे हैं? मैथ से कैसा क्वेश्चन था? मैथ से हल्का क्वेश्चन था। हल्का, बताइए किस तरह का था? मतलब कंटेंट से किस तरह का था? जोड़ घटाओ गुणा भाग कति से था? यही सब था, जोड़ने के लिए निकालने के लिए बस था। और ज्यादा और CDP से कैसा था? CDP मिला जुला के ठीक लेवल था। कुछ क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन प्याजे से था, कोहलबर्ग से था, वाइगोत्स्की से था, तीनों से था। अच्छा, तो वाइगोत्स्की से बता दीजिए किस टाइप के था। अब किस टाइप उतना याद नहीं है। काहे नहीं याद है, एग्जाम दे के आ रहे हैं फिर भी याद नहीं है। चलिए और अभ्यर्थी आ रहे हैं, देखिए यहाँ आने का सिलसिला जारी रहा तो जाइए टेलीग्राम ज्वाइन करिए। कैसा रहा एग्जाम भैया? अच्छा रहा एग्जाम। फोन लेके गए थे का? नहीं नहीं, फोन जमा था अभी। तो कुछ क्वेश्चन बता दीजिए। नहीं, क्वेश्चन सब अच्छा ही आया था। क्वालिफाई हो जाएगा? हाँ, उम्मीद है कि क्वालिटी। चलिए, उम्मीद है कि भरोसा पूरा है? पूरा भरोसा है, कॉन्फिडेंस के साथ है? कॉन्फिडेंस के साथ। कैसा रहा एग्ज़ाम? हेलो, कैसा रहा एग्ज़ाम? अच्छा ही रहा, बस
थोड़ा EBS में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया जो अच्छा। जिस जैसा मतलब हम पढ़ाई करके आए थे उस हिसाब से क्वेश्चन हमको अच्छा। समझ में नहीं आया EBS का कैसा क्वेश्चन EBS का जो क्वेश्चन था ना वो ठीक ही था लेकिन कंटेंट से दो तीन ही पूछा हुआ था। अच्छा कंटेंट से कम था अच्छा ज़्यादा मतलब अथी आपका एक मिनट आपका कंटेंट से कम था यानी इसी पेडागोजी ज़्यादा था। जी पेडागोजी ज़्यादा था। किस टाइप का था टफ था या नॉर्मल में था? वो कंटेंट में सिर्फ तीन ही इस तरह से क्वेश्चन था जो हम लोग पढ़े हुए थे उसमें आया था। अच्छा, सीडी भी तो बहुत ही अच्छा था। कुछ क्वेश्चन बता सकते हैं? जी उसमें असम के बारे में पूछा हुआ था कि 3.5 किलोमीटर पर जो बनता है घर जिसका बनता है वो कहाँ? 3.5 किलोमीटर नहीं 3.5 मीटर में जो बोल रहे हैं तो उसका जो उसके बारे में पूछा हुआ था। अच्छा, और पोचमपल्ली से जो साड़ी है उसके बारे में पूछा अच्छा, हुआ अच्छा, था। और CDP में जो स्कीमा के बारे में जीन प्याजे के बारे में कोहल वर्ग के बारे में अच्छा, ये सब के बारे में किस टाइप का क्वेश्चन था? उसमें मानसिक संरचना में जो स्कीमा के बारे में कि जो ज्ञान जो रहता है उसको क्या बोलते हैं तो स्कीमा ही बोला जाता है उसको। और चलिए आपका तैयारी अच्छा है। जी सही है। किस तरह का इस बार निकल जाएगा? जी वो निकल जाएगा। पूरा कॉन्फिडेंस है? पहले भी निकला हुआ है लेकिन इस बार जो है 60-40 के रेशियो के चक्कर में हम जो है दोबारा एग्जाम दे रहे हैं। ओहो हो चलिए बहुत अच्छा इनका एग्जाम रहा। और बच्चे आ रहे हैं अभ्यर्थी जो इनसे बात करते हैं किस तरह का कैसा रहा तो देखिए कैसा गया एग्जाम आपका। अच्छा गया। बहुत अच्छा गया जी। बहुत अच्छा की जी बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा गया। किस टाइप का क्वेश्चन था? जी CDP से तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जीन प्याजे से वाई गोची से कोल वर्ग से सबसे था। CDP का अच्छा क्वेश्चन था। EBS का तो अल्टर पूछ दिया था। EBS से अल्टर था। EBS से थोड़ा बर्ड्स का क्वेश्चन किया था लेकिन एक ही था। अच्छा एक ही था। कंटेंट से कम था। पेडागोजी अधिक था। पेडागोजी ज्यादा था। क्या पेडागोजी किस तरह का पेडागोजी था? EBS में मतलब पेडागोजी से किस टाइप का क्वेश्चन था? एवरेज था सब ठीक ही था। पेपर क्या मॉडरेट था या इजी था? इजी भी नहीं बोलेंगे ना उतना नॉर्मल बोलेंगे सब एवरेज ही क्वेश्चन पूछा गया। एवरेज था लेकिन EBS में बर्ड्स से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन सिर्फ पीकॉक के बारे में पूछा गया था। और कंटेंट से नहीं था ना? और से नहीं था। ओ पेडागोजी अधिक था। CDP से CDP भी अच्छा गया है। CDP अच्छा गया। अच्छा लैंग्वेज पेपर सारी अच्छी गई है। गद्यांश किस तरह का था या पैसेज इंग्लिश का? इंग्लिश मेरी नहीं थी मेरी हिंदी और उर्दू थी। अच्छा कैसा पेपर गया? लैंग्वेज पेपर मेरा अच्छा गया। अच्छा गया दोनों। उम्मीद है इस बार आएगा रिजल्ट। यस 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 यस। चलिए तो देखिए और अभ्यर्थी आ रहे हैं इन लोगों का पूरा पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। कैसा गया एग्जाम आपका? काहे भाग रहे हैं? कैसा गया एग्जाम? बहुत अच्छा गया। अरे भाग कह रहे हैं भैया किस तरह का एग्जाम? एग्जाम बहुत अच्छा रहा और जो रूट लर्निंग है उससे अच्छा। जो प्रश्न थे उसमें नहीं आया था। अच्छा और यहाँ पर जो अपने एतबार से सवाल का जवाब देने के लिए आया था जो भी रट के आए होंगे उससे तो मैं मान रहा हूँ इसे वो नहीं लिख पाया होगा। मतलब बेसिक समझ पे था ना? जी जी बेसिक। अच्छा आप अपने अंडरस्टैंडिंग अच्छा, पेडागोजी उस तरह का था कैसा था? हार्डली था या नॉर्मल था? हाँ हार्ड नहीं था कुछ ज़्यादा लेकिन जो पढ़ के आए होंगे उसके लिए हार्ड नहीं था और जो नहीं पढ़ के आएंगे तो जाहिर सी बात। आपका कैसा गया? बहुत बढ़िया गया एग्जाम। इस बार क्वालीफाई हो जाएगा? हाँ सर बढ़िया नंबर से होंगे क्वालीफाई। CDP EBS का तो हार्ड था क्या? नहीं नहीं कोई हार्ड नहीं। मॉडरेट भी नहीं था इतना हार्ड भी नहीं था तो इतना ईजी भी नहीं था बीच बीच का सिस्टम था। चलिए बहुत अच्छा रहा। इस बार क्वालिफाई होगा ना एकदम कंफर्म है? हाँ 100%। चलिए फिलहाल इतना ही और जाइए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ धन्यवाद।